गाजीपुर से आदित्य कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। जन कल्याण विकलांग सेवा समिति के प्रबंधक ने नायब तहसीलदार के साथ की गाली गलौज। खबर गाजीपुर जिले के जखनिया तहसील अंतर्गत से है, जहां पर जब से नायब तहसीलदार मनिहारी का पदभार रवि रंजन कश्यप के द्वारा ग्रहण किया गया है, तब से बहुत सारे विवादित मामलों का निस्तारण किया गया है। हाल ही में टुरवा टप्पा सौरी में रास्ते के विवाद को समाप्त कराया गया, जो कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, और इसी क्रम में दौलत नगर में भी रास्ते का विवाद था, जिसे बहुत प्रयास से खत्म किया गया, लेकिन इसी बात से कुछ लोग को नाराजगी है। जन कल्याण विकलांग सेवा समिति के पदाधिकारी और सदस्य सोमवार को अपनी 14 मांगों को लेकर जखनिया तहसील पहुँचे। पत्रक सौंपने के दौरान उप जिलाधिकारी कमलेश सिंह से कहासुनी हो गई। इससे नाराज दिव्यांग सीएम से मिलने की बात कहकर जखनिया रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गए। सूचना पाकर जखनिया रेलवे स्टेशन पर भुरकुरा कोतवाल तारावती फोसन पहुंची। साथ ही मनिहारी नायब तहसीलदार राजीव रंजन भी पहुंचे। उन्होंने दिव्यांगों को समझाने की कोशिश की। तब तक संगठन के प्रबंधक राम विजय चौहान ने नायब तहसीलदार से बहस किया और गाली गलौज भी करने लगे। नायब तहसीलदार ने बताया कि दौलत नगर जमीन के विवाद का मामला था, जिसको सुलह समझौता कराकर विवाद को समाप्त कर दिया गया। इसी को लेकर यह सभी लोग खिन्न हैं। स्थिति को संभालने को लेकर मौके पर उपजिलाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक बलराम पहुंचे। उपजिलाधिकारियों की ओर से कहा गया कि वह 19 जुलाई को जखनिया तहसील में दिव्यांगों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मामला शांत हुआ। इस मौके पर मिंटू कुमार, पलटन कुमार सतीश, गौरव पलटन आदि मौजूद रहे। अरे तो गाली तो नहीं, कोई आया तो इसे कुछ नहीं है। बिना तहसीलदार के जो घर गिरवा देंगे। नायब साहब उम्र सरदार ब्लॉक का, लेकिन मेन तहसीलदार साहब कलर ना है कि हम आपको बचा के जांच करेंगे, तो लेकिन पैसा पा देने तो ये पहुँचे चले तो वीडियो हेलो इतना लेखपाल लेकिन नौटंकी के खाली विकलांग के परेशान है।